कहोगे? बनाया है, जैसे रेडीमेड स्वेटर पे बॉर्डर बनता है वैसे बनाया है। ये मैं आपको बताती हूँ, ये इसके फंदे कैसे डालते हैं। ऐसे डालेंगे, थ्रेड को ऐसे दोनों साइड पकड़ेंगे, और अब जो ये नीचे वाला फंदा है, हम ध्यान से देखना कैसे करेंगे। यहाँ से नीचे से निकाल लेंगे और इसको घुमाते हुए थ्रेड को ऐसे करेंगे। फिर अब जो ये इधर नीचे वाला है, एक बार इधर से और एक बार उधर से, यहाँ से थ्रेड को नीचे से करेंगे और यहाँ से टाइट रखना है आपने ऐसे। एक बार फिर ऐसे करेंगे, फिर हम एक बार इधर से ऐसे थ्रेड को घुमाते जाएंगे, फिर ऐसे एक बार इधर से और एक बार उधर से करना है। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर। ये नीचे वाला धागा है जो, वहाँ से हम सिलाई को ऐसे करेंगे और घुमाते हुए ऐसे ले जाएंगे। फिर इधर वाला जो है, उसमें से यहाँ से नीचे से करेंगे और ऐसे घुमा लेंगे। नीचे से ऐसे, फिर ऐसे एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, ऐसे ही थ्रेड को घुमाते जाना है और ये ऐसे बनता जाएगा। यहाँ से टाइट ही रखना है ताकि ये इधर उधर ना हो जाए, सारे एक जैसी शेप आए। अब इसको कैसे बुनना है, ये हमें सीधा फंदा नजर आ रहा है, इसको हम सीधा बुनेंगे ऐसे और धागा आगे करेंगे। फिर हम ये वाला फंदा उल्टा है तो इसको उतार लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, फिर ये सीधा बुनेंगे, धागा ऐसे करेंगे। ये उल्टा नज़र आ रहा है तो इसको हम ऐसे उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा देंगे, फिर ये सीधा बुनेंगे, फिर ये उल्टे को ऐसे ही धागा बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे, ये सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके ये उल्टे वाले को बुनना नहीं है, ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे कर देंगे, सीधा ऐसे। ऐसे ही पूरा कर, ऐसे ही करेंगे, सीधा बुनेंगे। ये उल्टा फंदा है, धागा आगे करके इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये सीधा फंदा, ये जो उल्टा था, ये आगे आके सीधा फंदा हो गया, इसको ऐसे बुनेंगे। ये उल्टा नज़र आ रहा है, इसको धागा ऐसे करके ऐसे बिना बुने उतारेंगे और धागा पीछे करेंगे, फिर ये सीधा बुनेंगे और उल्टा पीछे करेंगे, ऐसे सीधा बुनते जाएंगे और उल्टे को ऐसे ही उतारते जाएंगे और धागा ऐसे आगे करते जाएंगे। ये एक बार फिर समझा रही हूँ, ये उल्टा नज़र आ रहा है फंदा, इसको ऐसे करेंगे धागे को, तो ये सीधे वाला बुन लेंगे, ये उल्टे को धागा आगे करके ऐसे करेंगे और धागा पीछे कर देंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा बिना बुने उतारेंगे, धागे को पीछे कर देंगे।
पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। चार सिलाइयों पे, ये तीन तीसरी सिलाई है, चार सिलाइयों का ये कर्म है, बस चार सिलाइयों पे डिजाइन बन जाता है। एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे उतारा, ऐसे कर दिया, ऐसे उल्टे वाला ऐसे उतार देंगे। ये एक सीधा नज़र आ रहा है, एक उल्टा, तो सीधे वाले को आगे करेंगे। दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी, बताऊंगी कि डबल बॉर्डर कैसे करना है, दो उल्टे और दो सीधे कैसे बनाने हैं। ये हमारा सीधा फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे और ये उल्टा और सीधे को आगे ले जाएंगे। ये हम सीधा फंदा, दो सीधे हो गए। अब ये उल्टे फंदे हैं दो, इनको उल्टा बुनेंगे। अब ये एक सीधा है, एक ये सीधे वाले फंदे को आगे ले आएंगे और उल्टे वाले को यहाँ पीछे कर देंगे। ऐसे ये दो सीधे दो उल्टे दो सीधे, अब ये दो उल्टे नज़र आ रहे हैं, इनको उल्टा ही बुनेंगे। अब ये एक सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे और ये एक सीधा ए आगे से हम इसको आगे कर देंगे, और पीछे वाला धागा जो है उसको इधर ले आएंगे। ये सीधे दो सीधे हो गए, फिर ये दो उल्टे, अब ये सीधा धागा नज़र आ रहा है, अब इसको सीधे वाले को आगे कर लेंगे और ये उल्टे वाले को पीछे कर देंगे। ये दो सीधे हो गए, दो सीधे दो उल्टे, ये सीधा इसको आगे करेंगे, ये वाला जो है इधर ले जाएंगे। अब ये दो उल्टे नज़र आ रहे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। ऐसे ये पूरी सिलाई बुन लेंगे, सीधा बुन रहे हैं सीधा बुनेंगे। अब इसको आगे ले आएंगे और ये वाला जो है इसको पीछे कर देंगे। ये सीधे वाला बुन लेंगे, ये दो उल्टे और दो सीधे ऐसे बुन लेंगे। अब ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये ऐसे नज़र आएगा। अब हम जैसे बुन रहे हैं वैसे बुनेंगे, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे, ये ऐसे नज़र आ रहे हैं, दो सीधे दो उल्टे। ये दो सीधे ऐसे ही बुनते जाएंगे। ऐसे ही दो सीधे दो उल्टे करके ये बॉर्डर बन जाएगा। ऐसे ही दो सीधे दो उल्टे, बहुत ही इजी है इसे करना। आप ऐसे ही इसको देख के बुन सकते हैं। ऐसे ही दो उल्टे दो सीधे बनाते हुए बना के दिखाती हूँ। ये ऐसे बॉर्डर बनेगा रेडीमेड स्टाइल में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।